सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं ईएक्सपी हब। तो यार V18 ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल निकाला, वैसे ही मैंने एक वीडियो उसी टाइम पर निकाल दी जिसने कि तुम्हें VIT वेल्लोर की CAC हर एक कैटेगरी वाइज तुम्हें बिल्कुल डाटा उसमें मिल चुका होगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, पर यार फिर उसमें कमेंट आए यार, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा यार इतना काफी नहीं है, स्टूडेंट्स को और भी ब्रांचेस का जानना है। तो ये वीडियो, इस वीडियो में मैं सारी ब्रांचेस की बात करने वाला हूँ VIT वेल्लोर के अंदर, और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी रैंक पर तुम्हें कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यार डाटा तो तुम्हें मिल जाएगा, पर अगर तुमने मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो बात नहीं सुनी ना, तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं रेंज भी बताऊंगा कि यार इतना रेंज इसमें कम हो सकता है, इतना रेंज इसमें ज्यादा हो सकता है, यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखना और जो मैं बोल रहा हूं ढंग से सुन लेना, क्योंकि वो मिस मत करना वरना डाउट्स तुम्हारे मन में बहुत रह जाएंगे। ठीक है, पहले बता देता हूं, अब डाटा दिखा देता हूं भाई जल्दी से। तो यार सबसे पहले बात कर रहे हैं VIT वेल्लोर की कैटेगरी 1 की सारी ब्रांचेस के बारे में। तो यार ध्यान से सुनना मेरी बात, वो ये होने वाली है कि यार जो CAC है, अगर तुम्हें CAC चाहिए तो तुम्हारी 1,000 से 3,000 तक आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये 4 तक जा सकता है, उससे ज्यादा जाने की चांसेस बहुत कम बन रही है। आईटी की देखो 9,000 तक जा रही है, अगर तुम्हारी 9,000 तक है, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो 11,000 तक लास्ट तुम्हें मिल सकता है। और अगर ECE की बात करें तो यार अराउंड लास्ट टू लास्ट 10,000 तक जाएगा, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा देखो यार ऑनलाइन वगैरह सब हो रहा है तो इधर उधर हो सकता है थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो ये 11 तक पहुंच सकता है। अब यार ME की तो देख लो इतनी ही जाएगी, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर ये ME सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेरिएशन बहुत आ सकता है, ये 35 तक भी जा सकती है, 35,000 अगर तुम्हारी रैंक है ME मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। CSE स्पेशलाइजेशन है, इसकी भी देख लो यार। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, ये हो गई हमारी कैटेगरी 1 की सभी जो भी तुम्हें सारी है ब्रांचेज हैं। VIT वेल्लोर की बात कर रहा हूँ, एक ही कैंपस की बात कर रहा हूँ, VIT वेल्लोर, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का वही फोकस होता है, किस पे, VIT वेल्लोर पर। तो यार अब नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट है हमारी सेकंड कैटेगरी की रैंक वर्सेस ब्रांच। यार तो देखो यार, अगर तुम्हें CSE चाहिए कैटेगरी 2, अब कैटेगरी यार अगर तुम नए हो, तुम्हें अगर नहीं पता तो कैटेगरी में यार क्या होता है ना, फीस तुम्हारी थोड़ी बहुत माफ होती जाती है, वो तुम VIT की वेबसाइट पर डाटा देख सकते हो। तो यार CSE देख लो कैटेगरी 2 में, जो कि है ऐसी लास्ट टू लास्ट अगर जाएगी तो 10,000 से 11,000 तक जा सकती है। IT की अगर हम बोले लास्ट टू लास्ट अगर जाएगी तो 15,000 से 16,000 तक जा सकती है। ECE की भी ऐसी बात कर लेते हैं यार, 17-18 तक जा सकती है। और ई का डाटा यार एक्यूरेट ही रहेगा, ई ज्यादा नहीं जाएगी इस बार, क्योंकि इस ब्रांच की डिमांड आ चुकी है। और ME यार इस बार भी थोड़ा ज्यादा जा सकती है, 47,000 तक। और CSE स्पेशलाइजेशन की देख लो यार। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कौन सी कैटेगरी 2। अब अपन कौन सी बात करेंगे, कैटेगरी 3, क्योंकि यार बहुत से स्टूडेंट है जो कि फाइनेंशियली अच्छे हैं तो उनको कैटेगरी 3 में भी वो पैसे दे सकते हैं। तो यार देखो यार कैटेगरी 3 की अब हम बात कर लेते हैं। तो यार कैटेगरी 3 में सबसे पहले है CSE की देख लो यार तुम, IT की देख लो। अब IT में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, 17,000 तक जा सकती है IT, अगर तुम्हें IT चाहिए और तुम्हारी 17,000 के अंदर रैंक है, कैटेगरी 3 तुम्हारे लिए बेस्ट है। बाकी अगर तुम्हारे डाउट्स अभी भी इनके बाद बन रहा है ना, तो देखो तुम कमेंट कर सकते हो, फिर टेलीग्राम चैनल वो जरूर ज्वाइन कर लो, उसमें डाउट पूछ सकते हो, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना, बाकी तुम ये सारा डाटा देख लो, ये एक्यूरेट ही जाएगा। कैटेगरी 3 में ज्यादा चेंजेस आने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी 4 की। पर देखो कैटेगरी 4 में CSE सबसे पहले मैं बताता हूँ, 15,000 तक अगर तुम्हारी रैंक है और तुम VIT वेल्लोर जैसे अच्छे कॉलेज में CSE का एम रखते हो, कैटेगरी 4 में एडमिशन ले लो। अब ये जो 15,000 तक यार थोड़ा सा ज्यादा भी जा सकता है, जैसे कि अराउंड 16, 17, 18, इस बार 18 तक जाने की चांसेस इसकी बन रही हैं। उसके बाद IT, ECE, ME ये सारे देख लो, और ME जो है यार वो 86 तक ही जाएगा, बल्कि जो ECE है वो 60,000 तक जा सकता है कैटेगरी 4 में। ठीक है, और CSE स्पेशलाइजेशन का तो तुम देख ही सकते हो। अब ये होगी अपनी कैटेगरी 4, कैटेगरी 4 समझ में आ गई होगी। अब कैटेगरी 5 और देख लेते हैं यार, उसके भी लोग पूछ रहे थे। तो देखो अब कैटेगरी 5 वाले वो हैं कि यार हमें तो VIT वेल्लोर में CSE चाहिए, चाहे तो कोई भी कंडीशन हो, कितनी भी फीस देनी पड़े, तो ठीक है यार CSE ले लो यार, कौन मना कर रहा है। पर 44,000 तक इस बार जाने की चांसेस थोड़ी मुझे कम लग रही है, थोड़ा कम ही रहेगा, जैसे कि मुझे लग रहा है अराउंड लगा लो तुम 40 के अराउंड तक जा सकती है, उससे ज्यादा जाने की चांसेस अभी कम लग रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब VIT में बढ़ चुका है, क्योंकि VIT ने बहुत अच्छा गेम खेला है JEE को हटाकर सिर्फ अपने एग्जाम के लिए। अब इसी के साथ साथ ही देख लो यार, IT, ECE, ME, CSE स्पेशलाइजेशन सभी की बात कर ली है, अब इन सभी को तुम नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो देखो यार जल्दी से उसको ज्वाइन कर लेना, पर इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो अगर तुम्हें अपने पास रखना है तो, जैसे कि तुम्हारा डाटा वगैरह पूरा सिक्योर हो जाए। तो CSE स्पेशलाइजेशन 50,000 तक कैटेगरी 5, ध्यान रखना इस बात को।
अब यार ये जो सारा डाटा दिखाया है हमारी टीम ने बनाया, तो देखो यार एक्सपेक्टेड होने वाला है, अभी इसकी कोई गारंटी वीआईटी की तरफ से नहीं आई है, पर जब निकलेगा ना तो यार हमारी टीम ने बनाया तो मोस्टली चीजें करेक्ट ही निकलेंगी, पर देखते हैं थोड़ा बहुत चेंज तो ऊपर नीचे रहता ही है। एग्जैक्ट तुम्हें कोई नहीं बता सकता, बस हम तो तुमको बता सकते हैं कि इतना अगर है तो तुम्हें मिल सकती है, मिलने की चांसेस बहुत हाई है। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, देखो एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। ये जो वीआईटी का एग्जाम है ना यार, ये बहुत ही अलग तरीके से इस बार ऑनलाइन कराया गया था, इस वजह से कंपटीशन थोड़ा हाई रहा है, उसको चलो इग्नोर करते हैं। इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह की डेट आ चुकी है, तो अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसको की चॉइस फिलिंग करवानी है EXPF की टीम से, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रजिस्टर करना है हमारे प्रोग्राम में। लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां पर हमें मैसेज कर दो कि आई वांट टू रजिस्टर इन योर प्रोग्राम, उससे हम तुम्हें बता देंगे क्या प्रोसीजर है हमारे चॉइस फिलिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने का। उसकी कॉस्ट है 199, सिर्फ 199, उसमें तुम्हें पूरी चॉइस फिलिंग मिलेगी। अब उसका प्रोसीजर क्या रहेगा यार, देखो हम तुम्हें पहले कॉल करेंगे, कॉल करके पूछेंगे कि यार कैसे कैसे तुम्हारी क्या प्रेफरेंस तुम्हें चाहिए, कौन सा तुम कॉलेज एम करते हो। उसके बाद वो सारे हमारा एक टीम मेंबर कॉल करेगा, उसके बाद वो डिटेल्स लिखेगा, उसके बाद टीम तुम्हारी चॉइस फिलिंग बनाएगी पूरी, और वो बेस्ट चॉइस फिलिंग रहेगी जिससे कि यार तुम्हें डाउट ना हो, और हम तुम्हें ये भी बता देंगे तुम्हारे कितने परसेंट चांसेस किस कॉलेज में है अभी फिलहाल। तो यार मैं सजेस्ट करूंगा उस प्रोग्राम को तुम ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स के लिए, क्योंकि हमारी टीम लिमिटेड है, तो यार इतना टाइम नहीं होता सभी के पास, और जो है इतने से पैसे है ना, ये पता है किस चीज़ के हैं, ये टीम के थोड़े से वर्क हैं जो हम टाइम निकाल रहे हैं तुम्हारे लिए सिर्फ उसके, क्योंकि यार जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग वो इस चीज़ के 5 से 10 हज़ार लेते हैं अगर तुम किसी काउंसलर के पास पहुंच जाओगे तो इसलिए यार इसी चीज़ का था कि यार स्टूडेंट्स को जब इतनी प्रॉब्लम आती है, मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज़ फेस करी थी, तो इसी वजह से हमने सोचा एक स्मॉल कॉस्ट रखेंगे जिससे कि हमारा, हम अगर टाइम दे रहे हैं तो हमें नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए एक स्मॉल कॉस्ट रखी और तुम्हारी काउंसलिंग करा देंगे, तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग है वो बना कर दे देंगे, बस ये इसलिए रखिए कॉस्ट, इसके बाकी इसका मकसद कुछ नहीं है ये, क्योंकि जो काउंसलिंग की चीज थी ना, मैंने 2 साल पहले जब मेरा कॉलेज एडमिशन चल रहा था मैंने फेस करी थी, इस वजह से ये जो प्रोग्राम है ये बनाया गया है यार। बाकी यार अगर तुम्हें इस प्रोग्राम में हमारे में इनरोल नहीं करना, तुम्हें चॉइस फिलिंग नहीं बनानी, तुम्हें आइडिया है कॉलेज का, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डाउट है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं वैसे भी रिप्लाई कर देता हूँ यार। तो अगर तुम्हें नहीं लेना प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत लो, अगर तुम्हारे खुद की नॉलेज है बहुत अच्छी चीज है, खुद की नॉलेज से काम करो यार, ये तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखते रहो EXP हब, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सभी के साथ जो भी बोल रहे थे कि रैंक वर्सेस वो बना दो, कैटेगरी बना दो और वो सारी चीजें, तो देखो बना दिए भाई ने, भेज दो, शेयर कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहो ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सबसे पहले, तो जाकर कर लिया ना, चलो कर लो, ऑल द बेस्ट।